हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 29 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 16 नवंबर यानी मंगलवार की वर्कशीट है और कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज का विषय है हिंदी और हम पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आप सभी को अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि खून की कमी से होता है, और एनीमिया, खून की जो कमी होती है उसे एनीमिया बोलते हैं। और एनीमिया क्यों होता है, उसका सबसे प्रमुख कारण जो है हमारे देश में वो है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जैसा कि हमने अभी पाठ में पढ़ा है, हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, अगर उसमें सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हमें जो भी चाहिए, अगर वो सब हमें सही मात्रा में नहीं मिलते हैं तो हमें एनीमिया हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। प्रश्न 2 है, पेट में कीड़े किन किन कारणों से होते हैं? उत्तर, पेट में कीड़े दूषित जल या खाद्य पदार्थों द्वारा प्रवेश करते हैं। पेट में कीड़े कैसे होते हैं? जब हम कोई दूषित जल पीते हैं या हम दूषित खाद्य पदार्थ खाते हैं, उनमें कीड़े होते हैं, तो वो उनके द्वारा, यानी उस दूषित जल और खाद्य पदार्थ के द्वारा हमारे पेट में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है 3, शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए? उत्तर, शौचालय का प्रयोग करने से कुछ प्रकार के कीड़ों से हमारा बचाव होता है। इनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं और इनके लार्वे त्वचा के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में होते हैं, यानी जब हम जमीन पर नंगे पांव चलते हैं तो वो कीड़े जो है, जब लार्वे देते हैं तो उनके लार्वे हमारे शरीर में, हमारे नंगे पैरों के जरिए या किसी भी शरीर के अंग के जरिए वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और उसमें ही घर बना लेते हैं। 4th प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्तर, एनीमिया से बचने के लिए हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। अगला है प्रश्न 5, जल प्रदूषण कैसे होता है? आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो जल प्रदूषण के अनेक कारण हैं। घर से छोड़ा गया गंदा जल, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों का साफ जल में प्रवाह और पेस्टिसाइड, आर्सेनिक जैसे हानिकारक पदार्थ, तो ये सारे कारण हो सकते हैं जल प्रदूषण के। इनके अलावा भी अगर आपको कुछ कारण पता है या आप अपने पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप
हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आईसीटी चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।